बिल्कुल, और पूरा मुंह काला हो गया है। मुंह काला तो इस पर भी हो गया कि राहुल गांधी लगातार नैरेटिव गत रहे, इस देश का अर्थतंत्र पूरी तरह से कमजोर कर दिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि जीएसटी ने ऐसा उछाल मारा है, ऐसा उछाल मारा है, उसने इतिहास रच दिया है। अब भारत जो तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन रहा है वो वहीं जा रहा है। इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि क्या कुछ हुआ है, जरा उसको हम देख लें इस खबर को, उसके बाद हम आपसे जो आपने साझा किया है। देश में जीएसटी संग्रह ने इतिहास रच दिया। इसी के साथ आई नौकरियों के संबंधित एक और खबर है कि ऐतिहासिक जीएसटी कलेक्शन के कीर्तिमान के कारण देश में मिल रहे अभूतपूर्व परिणामों की गवाही दी गई। मैंने एक साझा भी किया था कैसे आज के अखबार की भी कटिंग मैंने आपको साझा किया था से। हाँ, जीएसटी कलेक्शन ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड। अप्रैल में 2.10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। देखें डिटेल्स, ये पूरा व्यूअर जा करके उसको देख लेंगे। ये है भारत के कितने लोग कर रहे हैं नौकरी। बीते 5 साल में 11 करोड़ नौकरियां बढ़ी। अब इसके लिए सब जगह ये नैरेटिव बढ़ रहे हैं कि नौकरी नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है। इस नैरेटिव को बीजेपी का इकोसिस्टम भी नहीं उठा पा रहा सर। हाँ मनीष जी, ये जो दो खबरें, इसीलिए मैंने दोनों खबरें साथ लगाई, ये दोनों खबरें पूरे पूरे षड्यंत्र को, पूरी साजिश को, इनके झूठ को, इनके फरेब को, जालसाजी को ध्वस्त कर देती है, बेनकाब कर देती है। एक तो जो ये कहते हैं ना कि हर 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 साल 2 करोड़ नौकरी, तो 5 साल में 11 करोड़ नौकरी। अगर आप 5 साल की बात करिए तो 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियों का तो हिस्सा। और ये आंकड़ा दर्शकों को बता दूं कि ये आंकड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का या सरकार का दिया हो नहीं है। रिजर्व बैंक का उसके अपने पैमाने होते हैं, उसके एक अलग दस्तावेज होते हैं, तो इस पर आप उंगली नहीं उठा सकते। तो ये 11 करोड़ नौकरियां पिछले 5 साल में। लेकिन ये 11 करोड़ नौकरियां क्यों सृजित हुई, ये कहानी बता रहा मनीष जी जीएसटी का आंकड़ा, जो 2,10,000 करोड़ रुपए केवल अप्रैल में जीएसटी आया है। और ये आंकड़ा मनीष जी बताता कि पिछले 5 साल में कैसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ा है। दर्शक याद करें कि अप्रैल 2020 पूरा लॉकडाउन था, पूरा देश लॉकडाउन था, तो कोई काम धंधा। ये भाई कनेक्शन, इसका जरा कनेक्शन जोड़िएगा कि ये जीएसटी आता कहाँ से है। पूरे देश का कारोबार ठप था, पूरा देश ठप था, तो उस साल अप्रैल 2020 में एक महीने में जो जीएसटी आया था मनीष जी, वो 16,000 करोड़ आया था, 16,707 करोड़, 17,000 करोड़ कह सकते हैं इसको, जब सब ठप हो गया। लेकिन अप्रैल में आया, अप्रैल 2021 में वो जीएसटी आया 1,41,000 करोड़, अप्रैल 22 में आया 1,67,000 करोड़, अप्रैल 23 में आया 1,87,000 करोड़, और अप्रैल 24 में आया 2,10,000 करोड़। ये यात्रा क्या बता रही है मनीष जी कि लगातार लगातार गति बढ़ती चली जा रही है देश में जीएसटी कलेक्शन की। जीएसटी कलेक्शन क्या होता है, इसीलिए मैंने 2020 का आंकड़ा बताया कि जब पूरा देश ठप था तो वही कलेक्शन जो है 16,000 करोड़ आया था। यानी देश के अंदर व्यापार उद्योग हर आर्थिक गतिविधि से जुड़ा हुआ तस्वीर को जीएसटी कलेक्शन प्रस्तुत करता है। और वो जो 2021 में 1,41,000 करोड़ था, आज वो 4 साल के अंदर 2,10,000 करोड़, तो 70,000 करोड़ रुपए, यानी 50% आप कह लीजिए 1,40,000 करोड़ से वो बढ़ के 70,000 करोड़ बढ़ा है। 50% की उछाल आई है जो टैक्स कलेक्शन में। तो ये टैक्स आता कहाँ से, जब व्यापार में उद्योग में बढ़ोतरी होती है, और उसी ये उस वृद्धि की गवाही वो नौकरियां दे रही है मोदी जी। जो मैं अक्सर कहता रहा हूँ लगातार अपनी डिबेट में कि अगर ये नौकरियां लोगों की चली गई, नई नौकरियां मिल नहीं रही, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी का तांडव हो रहा है, तो ये बाजार कौन चला रहा है, ये उद्योग कौन चला रहा है, कंपनियां कौन चला रहा है, ये आर्थिक गतिविधियों को कौन संचालित कर रहा है। ये पाड़ा के बाप आते हैं कि सनसनीबाज के बाप आते हैं ये पैसा जमा कर दे। ये पैसा बाजार से आता है, बाजार में माल उद्योगों से आता है। तो ये पूरा चक्र कैसे घूम रहा है अर्थचक्र, और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कितनी तेजी से, कितनी द्रुत गति से देश आगे बढ़ रहा है, ये जीएसटी कलेक्शन ये उसका एक थर्मामीटर है। और इससे जुड़ी फिर सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है। जो ये कभी अर्थव्यवस्था को लेकर झूठ बोलते हैं, कभी अक्सर देखिए मोदी जी कहीं मैन्युफैक्चरिंग बड़ी गिर गई है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हो रहा, खाली सर्विस सेक्टर में आ रहा है, और रियल एस्टेट बड़ा डाउन जा रहा है। तो इसमें आंकड़े में ये भी आया है कि किस किस क्षेत्र से कैसे है, और ये झूठे कैसे है। अभी एक मनीष जी ने एक नाम दिया था जमूरे का,
उसकी उम्र ज्यादा है लेकिन उसको जमहूरियत ज्यादा, मैं उसको कह नहीं सकता, कहता तो वो कुछ और भी जाता चाहता था। वो प्रणंजय गुहा, वो प्रणंजय गुहा, वो बकरा का दाढ़ी आड़ी रख के वो रूपक बनाए रहता, अपनी ऐसी शक्ल बनाए रहता कि बिल्कुल कार्ल मार्क्स के बाद यही पैदा हुआ इस धरती पे। इसका झूठ बताता हूँ मनीष जी कि जिस समय नोटबंदी लागू की प्रधानमंत्री मोदी ने, ये खैराती कैसे झूठ बोलते हैं, क्योंकि गुहा का नाम ले लिया मनीष जी ने, फोटो भी उसकी ट्वीट डेट दिखा दी थी, तो मुझको याद आ गया कि जब नोटबंदी लगी तो इसने कहा कि इतना बड़ा झटका दे दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने कि देश को इससे उभरने में कम से कम 2 साल लगेंगे, 2 साल में देश उभरेगा इस झटके से, देश से अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। खैर वो तो इसको बकना था, लेकिन 2 साल बाद ये बैठ के टेलीविजन पर समझा रहा था कि नोटबंदी तत्काल थोड़ी कोई उसका प्रभाव पड़ता था, नोटबंदी के जो साइड इफेक्ट थे उनका प्रभाव तो 2 साल बाद ही पड़ना था, तो अब पड़ना शुरू हो रहा है। तो ये इस टाइप के झूठ गढ़ते हैं और फिर इस झूठ का मतलब पट्टी करते रहते हैं कहीं से कोई मवाद न बह जाए। तो ये प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में बड़े भाग्यशाली है कि उनको इतना मूर्ख विपक्ष और इतना धूर्त आलोचक मिला है खैरातियों के रूप में, कि जिसका सच से कोई सामना नहीं है, जो सच की कसौटी पे उनको उसने 10 साल में कभी कसा ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को कभी सच की कसौटी से उपजे सवालों का जवाब देने नहीं पड़ा। मूर्ख विपक्ष है वो तो अपना क्या क्या है वो, कल देखिए साहब अमेठी में आपको नाचता कूदता दिखाई देगा वो, और बाकी ये सनसनीबाज ऐसे ठलुए ठलुए कह सकते हैं कि वो गंभीर सवालों के कटघरे में सरकार को कभी खड़ा ही नहीं कर पाए। 10 सालों में करना चाहिए, ये प्रेस का भी काम है विपक्ष का भी, लेकिन इनका गंभीरता से, विद्वता से, योग्यता से, सच से कोई लेने देना नहीं है, ये सब अपने मंडी में बैठे हुए तैल है। सर, हम लोग कब तक उसको खैराती और खलियर खैराती सुन कर रहे थे। अब इन्हें अपना नाम चट्टे बट्टे कैसा लग रहा होगा इनको, ये सनसनीबाजों को, ये पाड़ाओं को, ये इन्हें चट्टे बट्टे, कांग्रेस का चट्टा बट्टा, ये और भी कौन कह रहा है, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, तो नया नामांकन उन्हें कैसा लग रहा होगा। नहीं नहीं मनीष जी, प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी विनम्रता दिखा दी, थोड़ी विनम्रता, अब वो कह भी नहीं सकते थे, उनके साथ एक पद की गरिमा जुड़ी हुई है, नहीं तो चट्टे बट्टे नहीं, इनको भाड़ और भड़ुए कहना चाहिए कि ये और इनके भाड़ और भड़ुए, ये उससे भी गिरे हुए लोग हैं, इनके लिए तो जो भी शब्द है वो कम है, जो टेलीविजन पे बोला जा सकता हो या अखबार में लिखा जा सकता हो वो शब्द इनके लिए कम है, ये तो इनके लिए दूसरे शब्दों का इस्तेमाल होता है।